हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप बताने जा रहे हैं कि अब सभी गरीबों को अब मिलेगा फ्री मकान और 2.5 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, जा रहे हैं पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों हम आपको यह भी बताएं कि 2021 के इलेक्शन होने से पहले ही आपको मिल जाएंगे ये 2.5 लाख रुपए आपके सीधे बैंक खाते में, वो भी तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइए कि वीडियो आप कौन से जिले व किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि हम आपके जिले व राज्य की रोजाना ऐसी नई से नई जानकारी आपको दे सकें। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके पास ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों की उनकी ज़मीन पर मकान बनाने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपये की मदद देगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सरकार ने ऐसे शहरी लोगों को सहूलियत देते हुए योजना शुरू की है जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन मकान बनवाने के लिए धन नहीं है। इसके अलावा झोपड़पट्टी, कच्चे और टूटे फूटे मकानों में रहने वाले लोग भी नए मकान का सामना हक के साथ देखे सकेंगे। उनके यह हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आई है। इसकी खासियत यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को इसमें से पात्र माना जाएगा, जबकि इससे पहले की योजनाओं में आय सीमा काफ़ी कम रहती है। इसके लिए चलते तमाम लोग योजनाओं का लाभ मिलने में वंचित रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि योजना में पात्र परिवारों को 30 वर्ग मीटर की जमीन पर मकान निर्माण को 2.5 लाख रुपए की मदद की जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार के 1.5 लाख और राज्य सरकार के 1 लाख रुपए शामिल होंगे। शेष खर्चे लाभार्थी को उठाना होगा। स्थानीय स्तर पर जिला नगरीय विकास अभिकरण टूटा और योजना की जिम्मेदारी दी गई, जो आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जांच आदि सरकार एकीकृत शहरी आवास परियोजना तैयार करेगा। मकान शहर के मानों के अनुरूप बनाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सभी नगरीय क्षेत्र होंगे शामिल। प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी नगरीय निकाय को शामिल करने में निर्देश दिए गए हैं। एटा की 4 नगर पालिका परिषदों और 5 नगर पंचायत क्षेत्रों के पास बांसदों को योजना का लाभ प्राप्त करने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आसरा योजना में 1295 परिवार चयनित। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां 30 वर्ग मीटर जमीन पर मकान बनाए जाने का प्रस्ताव है, वहीं इससे पहले राज्य सरकार की आसरा आवास योजना में 25 वर्ग मीटर भूमि पर मकान निर्माण का प्रस्ताव लंबित है। इस योजना में जिले के 5 स्थानीय नगर निकाय क्षेत्रों में 1295 परिवारों का चयन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लेकिन पात्रा की श्रेणी में यह 6000 रुपये मासिक वाले परिवार की शामिल किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अधिकारी की बात योजना को लेकर प्राप्त शुरुआती दिशा निर्देशों के आधार पर जरूरत का आकलन तैयार किया जा रहा है। इसके बाद फार्म लिए जाएंगे और सर्वे कराया जाएगा। पात्रता आदि की जांच के बाद परिवारों को शामिल कर कार्य योजना तैयार की जाएगी। तो दोस्तों आपको हमारी दुई जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और भी बताइए कि वीडियो आप कौन से जिले व किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि हम आपके जिले व राज्य की रोजाना ऐसी नई से नई जानकारी आपको दे सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और रोजाना ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अति शुभ हो।